लैंड क्रूजर वाली उष्णा की दादी? हाँ। ये उष्णा तो वाकई सिंड्रेला निकली। सिंड्रेला किसी नेक औरत की औलाद होती तो मैं शायद मान भी लेती। क्यों मैसेजेस कर रही हो? क्यों बुलाया तुमने मुझे? बात पूछनी आपसे। मैं या तुम्हारे बाबा को संभालू, सुफियान को हैंडल करूं, या तुम्हारे सवालों के जवाब दूं? मुझे बताएं, भाई ने क्या न्यूज ब्रेक की है? क्या वाकई उष्णा पप्पू की बेटी नहीं है? जैनब की कोई औलाद थी ही नहीं। उष्णा तो वो फुरकान के दोस्त की बेटी है। लो, ये बात आप लोगों ने आज तक मुझसे क्यों छुपाई? तुम्हें बता देते तो क्या मिल जाता? भले कुछ ना मिलता, लेकिन वो जो सिंड्रेला बनी फिर रही है, उसे तो अपनी औकात पता चलनी चाहिए थी ना। ना तो कर तो आया है तुम्हारा भाई तमाशा। बहुत अच्छा किया भाई ने। हाँ अच्छा किया। अब तुम ये देखना कि वहाब हमारे साथ क्या करता है। उधर तुम्हारे बाबा भी इसी वजह से परेशान है। मेरा भी दिल खोल रहा है। अरे कुछ नहीं होता, जो होगा ना वो देखा जाएगा। ये तुम कह रही हो? तुम शायद भूल गई हो पिछले दिनों की टेंशन और उस डील को। यहाँ हम सुफियान की वजह से परेशान हो रहे कि किस तरह से उसको इस मुल्क से बाहर भेजे, और उसे देखो एक नया तूफान खड़ा करके बैठ गया। आपको उष्णा के बैकग्राउंड के बारे में कुछ तो पता होगा ना? फुरकान अंकल के दोस्त उन्हीं की तरह होंगे ना, गरीब से? नहीं नहीं फुरकान गरीब थोड़ी था। तुम्हारे दादा ने जैनब की शादी बहुत अच्छे और खाते पीते घराने में की थी। वो तो बस फुरकान का बिजनेस डूबा तो उसका ये हाल हो गया था। उसके सारे दोस्त अहबाब भी काफी अमीर कबीर लोग थे। वो उस दिन औरत नहीं आई थी, वही तो उष्णा की दादी है। लैंड क्रूजर वाली उष्णा की दादी? हाँ। ये उष्णा तो वाकई सिंड्रेला निकली। सिंड्रेला किसी नेक औरत की औलाद होती तो मैं शायद मान भी लेती। उष्णा की माँ नेक औरत नहीं थी? तुम्हें ना नहीं थी क्या? सदफ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है बेटा, मेरा दिमाग बंद हो चुका है। तुमने जो कुछ पूछना है ना बाद में पूछना। मैं तुम्हारे बाबा को देखूं, सुफियान की वजह से वो भी बहुत परेशान हो गए। मुझे बता। उष्णा की माँ नेक औरत नहीं थी तो क्या थी? ऐसा क्या है जो मामा बता के नहीं गई है? एक बार, बस एक बार उष्णा की दुखती शक मिल जाए, फिर देखना कैसे उसे शहरोज की जिंदगी से निकाल। जितना